हरम, तुझे बताया था ना घर के बाहर बोर्ड लगा दे कि यहाँ भिखारी और मंदिर कश्यप का आना मना है। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे मंदिर कश्यप का आना मना हो। कैसी है समधन जी आप? मैं तो हाई क्लास हूँ। पर आपकी आंखें लाल क्यों हो गई? लोगों के तो हाथ खून से रंगते हैं, आपके तो हाथ आंख सब कुछ खून से रंग गया है? लगता है पूरी रात सोई नहीं आप, या फिर अंदर की गंदगी बाहर आ गई। आप तो हमेशा से इतनी मजाकिया है, वैसे आपको तो हमारी याद ही नहीं आती, हमें आपकी इतनी याद आ गई। तो देखिए गिफ्ट्स लेकर आ गए आप सबसे मिलने। वैसे कहाँ है मेरी बहू और बाकी सब? हरम, तुझे बताया था ना घर के बाहर बोर्ड लगा दे कि यहाँ भिखारी और मंदिर कश्यप का आना मना है। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे मंदिर कश्यप का आना मना हो। चुपचाप की गिफ्ट्स लो और हमें अंदर आने दो, वरना वरना क्या हा? अलग निरंजन। बाबा जी देखिए ना, ये हमें अंदर नहीं आने दे रही है, हमें आपसे मिलने नहीं दे रही है। ये बहुत बच्चे हुए बाबा है, खबर न हो तो कह दू तेरे जैसी पिसाचनी से तो दूर ही रखेंगे उन्हें, समझी ना? जो इस दर पर आया है वो खुद नहीं आया, उसे तो भोलेनाथ ने भेजा है। उनके मर्जी के बीच मत आओ, आने दो। बाबा जी हमें छूने की कोशिश मत कर। तेरे हाथों में खून लगा है, अलग निरंजन। पिछवाड़े पे तिल वाले मूर्ख, तू क्या खड़े खड़े देख रहा है पापी? सच में पापी है दोनों, मेरे मॉम और भाई नहीं है। इन लोगों के लिए अपना आंसू बहा रही थी मैं। बाबा वो चुप कर, हमें पता है तू हमें तेरे घर ले जाने के लिए आई है ताकि तुझे उस आत्मा से मुक्ति मिले।